Very good morning, dear students. Welcome to my YouTube channel, that is SR Academy of Chemistry. Right. So, dear students, we start our first chapter of 10th standard, that is periodic classification of elements. हमने क्या स्टार्ट किया था? Periodic classification of elements. Now, in this chapter, first we can discuss why there is a need to classify element. तो क्या आंसर था उसका? To know their exact property, we need to classify the element, right? Then हमने देखा कि सबसे पहले जो हमने classify किया उसको कैसे किया था, metal, non-metals में, फिर metalloid आया, तो वो classification block हुआ, फिर उसके बाद the new scientist that is called as Dobernier, Dobernier tried to classify the element. Dobernier जब element classify करने की कोशिश किया तो उसने क्या देखा है? He can find out group of three element which can show similar chemical and physical property. उसको उसने क्या बोला? Dobernier tried, condition दिया कि the mean mass of first and third element must be approximately equal to mass of the middle element. Then उसका भी drawback क्या था? He can find only some triads. उसके ज्यादा उसको triad नहीं मिला. Means he can successfully classify only certain element, not all the element. Then, उसके बाद जो क्लासिफिकेशन आया हमने क्या देखा था? न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव. उसने एलिमेंट्स को अरेंज किया अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास नंबर. एंड वी कैन फाइंड दैट आफ्टर सेवन एलिमेंट एट एलिमेंट हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टी लाइक अ फर्स्ट एलिमेंट. तब उसने उसको किसके साथ कंपेयर किया? Octave of music, that is sare ga ma pa dha ni sa, and you can find that just like after seventh note, eighth note are common, so just like after seventh element, eighth element are exactly same, right? Those basis pe usne kya kya tha? अपना क्लासिफिकेशन दिया था जिसको हम लोग सब तक भी बोला जा रहा था, राइट? तो दिस इज द क्लासिफिकेशन. उसके ड्रॉबैक भी देखिए कि एक ही प्लेस पे उसने क्या किया था, टू एक्युमुलेट एलिमेंट, एक ही प्लेस पे दो एलिमेंट्स को रख दिया था. सेम प्रॉपर्टी एलिमेंट पे एक ग्रुप में नहीं रखा. कुछ एलिमेंट ऐसे थे जिनकी प्रॉपर्टी अलग थी फिर भी उसको पर्टिकुलर ग्रुप में लगा. हमने देखा था कोबाल्ट एंड निकेल के बारे में, देन सीरियम एंड लैंथेनियम, राइट? हमने देखा था आयरन को भी ऑक्सीजन वाले टी ग्रुप में रखा था या नी ग्रुप में रखा था. तब हमने देखा था आयरन शोविंग टोटल डिफरेंट प्रॉपर्टी कंपेयर टू ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम. सो देयर आर सर्टेन ड्रॉबैक, एंड इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या था? दिस लॉ इज एप्लीकेबल अप टू कैल्शियम. कैल्शियम के बाद ये लॉ एप्लीकेबल नहीं हो रहा था, तो ये भी फ्लॉप हुआ ना. उसके बाद जो अभी हम लोग आज जो पढ़ने वाले हैं, दैट क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड एज मेंडेलियव क्लासिफिकेशन ऑफ एन एलिमेंट. So Mendeleev was a scientist who can successfully classify all the known element at the time. Means at the time of the Mendeleev, total 63 elements are known. और उसने पूरे 63 element का successfully क्या classification किया था. So let's begin with the third classification of an element, that is very important, Mendeleev classification of elements. So आज हम लोग पढ़ने वाले हैं actually Mendeleev periodic table. तो देखते हैं हम लोग मेंडेल पीरियोडिक टेबल में क्या क्या हमको स्टडी करना है. सो लेट्स बिगिन विद द सम ऑफ द पॉइंट ऑफ द मेंडेल पीरियोडिक टेबल. तो मेंडेलियव पीरियोडिक टेबल वाज गिवन बाय डिमिट्री मेंडेलियव. ही कैन डेवलप द पीरियोडिक टेबल ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1869 टू 1872. मतलब ये तीन साल के अंदर उसने क्या किया था? अपने पूरे पीरियोडिक टेबल को क्या किया था? डिजाइन किया था. एंड अकॉर्डिंग टू मेंडेलियव, properties of elements are periodic function of their atomic masses. तो इसका main point याद रखो, ये किसने क्या बोला था कि periodic function किस पे depend है? उसके atomic mass पे depend है, ना कि उसके atomic property पे या फिर atomic number पे. उसने क्या बोला था कि कोई भी element का property जो किस पे depend रहता है? atomic mass. अब periodic function मतलब क्या होता है? The function which can repeat after certain period. जैसे हमारा week देखते हैं, हम लोग week के बाद सा आता है. इसने क्या बोला कि एलिमेंट्स को जब हम लोग अरेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक मास नंबर, कुछ इंटरवल के बाद सेम प्रॉपर्टी एलिमेंट कैन बी रीऑकर, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज पीरियोडिक फंक्शन. सो प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस. मतलब कुछ एलिमेंट ऐसे होंगे जिसकी प्रॉपर्टी सेम होगी, तो कुछ इंटरवल के बाद वो प्रॉपर्टी क्या होगी? तुम्हारी रिपीट होगी. Mendeleev arranged all the 63 elements known at the time in an increasing order of their atomic masses. So Mendeleev ne elements ko kaise arrange kiya? He can arrange the element according to their increasing order of atomic masses. Kaise arrange kiya? Atomic masses. But yahan pe Mendeleev ki confusion hua.
मेंडेलियन ने पहले बोल तो दिया कि मैंने एलिमेंट को कैसे अरेंज किया अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक मास नंबर, बट बाद में उसने अपना स्टेटमेंट चेंज कर लिया, है ना। कुछ समय बाद उसने अपना स्टेटमेंट चेंज कर लिया। अब स्टेटमेंट चेंज करके उसने बोला क्या, तो स्टेटमेंट चेंज करके मेंडेलियन ने क्या बोला है कि एट द टाइम ऑफ द मेंडेलियन पीरियड टेबल नो प्रॉपर टेक्निक आर डेवलप्ड टू मेजर एग्जैक्ट एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट। एलिमेंट का एग्जैक्ट एटॉमिक मास निकालने का टेक्निक उस टाइम पे उतने अच्छे से डेवलप नहीं हुआ था, दैट्स व्हाई उसने अपना स्टेटमेंट चेंज कर लिया। उसने बोला नहीं, हम लोग एलिमेंट्स को अरेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, नॉट अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक मास। यहाँ पे एक पॉइंट याद रखना, पहले उसने क्या बोला था, एलिमेंट्स को कैसे अरेंज करना है अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक मास नंबर, लेकिन बाद में उसने स्टेटमेंट चेंज करके क्या बोला है, एलिमेंट्स आर अरेंज अकॉर्डिंग टू देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, राइट। अब उसने कौन कौन सी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी वहां पे यूज किया है टू मेजर देयर प्रॉपर्टी, तो मेंडेलियन ने देखो यहाँ पे फोर्थ फिफ्थ पॉइंट हम लोग देखते हैं। यहाँ पे मेंडेलियन यूज मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड डेंसिटीज एज अ फिजिकल प्रॉपर्टी टू क्लासिफाई द एलिमेंट्स। मेल्टिंग पॉइंट मतलब क्या होता है, ऐसा टेम्परेचर जहां पे तुम्हारा सॉलिड इसमें कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा लिक्विड में, उसको मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। तो उसने हर एक एलिमेंट का मेल्टिंग पॉइंट स्टडी किया। मान लो दो एलिमेंट है जिसका मेल्टिंग पॉइंट अगर सेम आ रहा है या नियरली सेम आ रहा है, उसको कैटेगरी में कर दिया। सिमिलरली कैन यूज बॉइलिंग पॉइंट एज वेल एज डेंसिटी। बॉइलिंग पॉइंट मतलब द टेम्परेचर एट विच लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू वेपर इज कॉल्ड एज बॉइलिंग पॉइंट। उसने डेंसिटी यूज किया, डेंसिटी मतलब क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, उसका यूज किया उसने। देन मेंडेली यूज केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी में उसने क्या किया है, हाइड्राइड्स एंड ऑक्साइड्स, क्या यूज किया है, हाइड्राइड्स एंड ऑक्साइड। हाइड्राइड मींस वेटर व्हेन रिएक्टेड विथ वाटर इट फॉर्म वन कंपाउंड इज कॉल्ड एज हाइड्राइड, राइट। जस्ट लाइक एनी मेटल व्हेन इट इज एसोसिएटेड विथ हाइड्रोजन तो क्या फॉर्म करता है, हाइड्राइड। ऑक्साइड मींस व्हेन मेटल कैन एसोसिएटेड विद एनी ऑक्सीजन इट कैन फॉर्म ऑक्साइड, है ना, ये बात समझ में आ गया। तो हाइड्राइड मतलब इट एसोसिएट मेटल एसोसिएटेड विद या फिर एलिमेंट एसोसिएटेड विद हाइड्रोजन इज कॉल्ड एज हाइड्राइड, एंड व्हेन मेटल एसोसिएटेड विद ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज ऑक्साइड। जैसे हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, वो ऑक्साइड है, किसका है, कार्बन इज एलिमेंट कार्बन डाइऑक्साइड। हम लोग मीथेन लेते हैं, मीथेन इज अ हाइड्राइड ऑफ कार्बन CH4, हमने जिसका फॉर्मूला देखना है, राइट। तो ये सब कुछ पॉइंट्स है जो तुमको याद रखना है। तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या याद रखना है कि मेंडेलियन ने किस बेसिस पे एलिमेंट्स को अरेंज किया था, अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक मास नंबर। कितने एलिमेंट को अरेंज किया, 63। स्टेटमेंट चेंज करके उसने क्या बोला कि एलिमेंट्स आर अरेंज अकॉर्डिंग टू देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, नॉट एटॉमिक मासेस। फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या क्या यूज किया, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड डेंसिटी। केमिकल प्रॉपर्टी में क्या यूज किया, हाइड्राइड्स एंड ऑक्साइड। तो दीज आर द सर्टेन अजम्पशन गिवन बाय मेंडेलियन पीरियोडिक टेबल। नाउ जस्ट सी हियर, मैं जो पीपीटी दिखा यहाँ पे इसको तुम लोग वीडियो को थोड़ी देर पॉज करो और इस वीडियो इस जो स्लाइड दिख रहा है इसको तुम लोग ऑब्जर्व करो क्या दिया हुआ है इसमें। तो इसमें एग्जैक्टली दिया हुआ है कि हाउ एलिमेंट्स आर अरेंज। ये जो तुम्हारा टेबल दिख रहा है यहाँ पे दिया गया है कि एलिमेंट्स को हमने कैसे अरेंज किया है। तो यहाँ पे देखो मैंने ऊपर एक वर्टिकल कॉलम आर कॉल्ड ग्रुप, मतलब ऊपर से जो नीचे आ रहा है इसको क्या बोलते हैं, ग्रुप। जैसे यहां से देखो हाइड्रोजन से स्टार्ट होके तो गोल्ड तक आ रहा है, ये ग्रुप में प्रेजेंट है। बेरिलियम टू मर्क्यूरी ये ग्रुप में प्रेजेंट है। बोरॉन टू टीआर ये ग्रुप में प्रेजेंट है। कार्बन टू डीएच ये ग्रुप में प्रेजेंट है, मतलब ये ग्रुप है, राइट। वर्टिकल कॉलम ऊपर से नीचे आ रहे उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ग्रुप। हॉरिजॉन्टल रो आर कॉल्ड एज पीरियड। हॉरिजॉन्टल रो मतलब क्या, इस तरीके का लेफ्ट से राइट जा रहा है, यहाँ पे आरो देखो इसको क्या बोलते हैं, पीरियड। मतलब हाइड्रोजन ये एक पीरियड में प्रेजेंट है, लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरिन ये ग्रुप एक पीरियड में प्रेजेंट है, सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन फॉस्फोरस सल्फर क्लोरिन ये ग्रुप में। तो हॉरिजॉन्टल रो इज कॉल्ड एज पीरियड, वर्टिकल कॉलम इज कॉल्ड एज ग्रुप। सो मेंडेलियन ने क्या किया था, एलिमेंट्स को अरेंज किया उन्होंने डिफरेंट ग्रुप्स एंड पीरियड्स में, उसने उसको कैसे किया अरेंज करना चालू कर दिया। तो एक सेकंड में रखो, इसको क्या बोलेंगे,
वर्टिकल कॉलम, इसको क्या बोलेंगे? हॉरिजॉन्टल रो। तो वर्टिकल कॉलम मतलब क्या रहता है? ग्रुप्स। हॉरिजॉन्टल रो मतलब क्या होता है? पीरियड्स। मतलब मेंडेलियन ने क्या किया था, एलिमेंट्स को कैसे अरेंज किया था? यू कैन अरेंज द एलिमेंट इन डिफरेंट ग्रुप्स एंड डिफरेंट पीरियड। उसने एलिमेंट्स को अलग अलग ग्रुप में और अलग अलग पीरियड्स में क्या किया, उसने अरेंज किया हुआ है। नाउ अब अगर हम लोग फिर से रिकॉल करते एक बार, तो यहाँ पे देखो, अगर मैं एक स्लाइड शो करता हूँ, वहां पे एक बार देखते हैं हम लोग कैसे वो ऑक्साइड और हाइड्राइड को यूज कर रहा था उसको क्लासिफाई। देखो जो हम लोग डायग्राम देखने वाले, हम लोग जो चार्ट देखने वाले हैं या पीरियड टेबल देखने वाले, उसको समझना जरूरी है, तो हम लोग उस पर वापस से क्या करते हैं, मूव करते हैं। नाउ ये जो चार्ट है इसको तुमको ठीक से क्या करना है, पढ़ते आना चाहिए। तो यहाँ पे देखो कुछ फॉर्मूलेज है, R2O, RO, R2O3, RO2, RH4, R2O5, RH2, RO3, RH, R2O7, RO4, ये सब है क्या? इसका यूज का और इंपॉर्टेंस क्या है? तो बेटा ये जो तुम्हारा दिख रहा है, ये क्या है? तुम्हारे ऑक्साइड से, जितने भी RO दिख रहे ऑक्साइड से और जितने भी R दिख रहे वो क्या है? तुम्हारे हाइड्राइड से। मैं पहले बोला था मेंडेलियन ने क्या बोला, एलिमेंट्स को मैंने कैसे अरेंज किया है, अकॉर्डिंग टू देयर, कैसे बोलो, अकॉर्डिंग टू देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। तो ऊपर जो दिख रहा है ये उसकी क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी। ना इसको हम लोग इलाबोरेट करते हैं कि ये R2O का मतलब क्या होता है, RO का मतलब, और R2O3, RO2, ये इतना अगर हम लोग मतलब समझ लेंगे तो हमको ये टॉपिक ही क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, राइट। सो हम लोग इसको देखते हैं कि उसका मतलब क्या होता है। ना यहाँ पे पहले हम लोग ऑक्साइड के बारे में जान लेते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। यहाँ ये सब क्या है, ऑक्साइड, राइट। तो अभी यहाँ पे R2O का मीनिंग क्या होता है, तो यहाँ पे एक चीज हम लोग देखते, पहले हम लोग एक फॉर्मूला बनाते हैं। सपोज हम लोग अगर ऑक्सीजन को लेते हैं, मुझे बताओ ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है? एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज 8, राइट। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या आता है, 2, 6। इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6। आउटर शेल इसको क्या बोलते हैं हम लोग, के शेल बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, राइट। तो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। और हमने एक चीज पढ़ा है कि एलिमेंट स्टेबल कब होता है, जब उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो, यस, जब उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन तब स्टेबल होगा। बताओ ऑक्सीजन को स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा। नाउ व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन, क्या है वैलेंसी ऑक्सीजन, कितना है, 2, बिकॉज 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद उसका ऑक्टेट क्या होगा, कंप्लीट होगा, 2 वैलेंसी। और एक दूसरा तरीका बताया था वैलेंस निकालने का, क्या था, क्या था, अप टू कार्बन नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कार्बन के बाद क्या था, 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे 8 माइनस वैलेंस 6 करेंगे तो कितना आएगा, वैलेंस कितना आएगा, 2 आएगा, बराबर है मानते इतनी बात। तो वैलेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या आएगा, 2। तो हर एक ऑक्सीजन का वैलेंस कितना रहेगा, 2 ही रहेगा यहाँ पे। नाउ अब हम लोग यहाँ पे पहले ग्रुप पे आते हैं, हम लोग मान लो हम लोग लेते हैं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 1। हाइड्रोजन कौन सा रोल प्ले करता है, डुप्लेट, मीन्स अगर हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन रखेंगे तो क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। अब मुझे बताओ हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, इसको बाहर से क्या करना पड़ेगा, 1 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा या फिर क्या करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा, उसको 2 चाहिए, मतलब इसकी वैलेंसी कितनी है, 1। 1 लेगा तो सेटिस्फाई हो जाएगा, और नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, तो वैलेंसी कितना, 1। तो अभी अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या कंपाउंड फॉर्म करेगा, मान लो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्म करेगा, हाइड्रोजन का वैलेंस C1, ऑक्सीजन का वैलेंस C2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो क्या आएगा, H2 आ जाएगा। मान लो हाइड्रोजन R है, R मतलब कोई भी एलिमेंट हम लोग ले सकते हैं, R मतलब क्या होता है, एनी एलिमेंट। तो यहाँ पे H2 है, यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा। अभी मान लो लिथियम का एग्जाम्पल लेते हैं, लिथियम का एटोमिक नंबर कितना है, लिथियम, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम एटॉमिक नंबर कितना है, 3, बराबर है, लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 3 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आता है,
2 1, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? एक। वैलेंसी कितनी है? एक। एक अगर उसकी वैलेंसी है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? लिथियम की वैलेंसी एक है, ऑक्सीजन की वैलेंसी दो है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो क्या आएगा? Li2 आ जाएगा, या फिर Li2O लिख सकते हैं हम लोग, एक ही चीज है, राइट। सिमिलरली सोडियम 281, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? एक। वैलेंसी वन, ऑक्सीजन की वैलेंसी दो, तो ये तो। पोटेशियम 2881, एटॉमिक नंबर कितना है इसका? 19 है। इस प्रकार से जितने भी एलिमेंट है, चाहे हाइड्रोजन ले लो, लिथियम ले लो, सोडियम ले लो, पोटेशियम ले लो, सबका वैलेंसी कितना है तुम्हारा? 1। जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो किस टाइप के कंपाउंड फॉर्म करेंगे? R2O फॉर्म करेगा। दैट्स व्हाई ये सब को एक कैटेगरी में रखा गया। सिमिलरली अगर हम लोग RO देखते हैं, RO मतलब क्या होगा? ये R मतलब कोई एलिमेंट ऑक्सीजन है। अब यहाँ पे बेरिलियम का अगर हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना है? और द एटॉमिक नंबर ऑफ बेरिलियम कितना? एटॉमिक नंबर बेरिलियम का, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, 4। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2 2, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो बेरिलियम की वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 2। ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है, सिंपलीफाई करो, 1:1, क्या आएगा कंपाउंड? Be4, बेरिलियम ऑक्साइड हो जाएगा। समझ आ रही बात? यही बस करना है। तो मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 है, कैल्शियम की वैलेंसी 2 है, दैट्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके इस टाइप का कंपाउंड आरओ टाइप का फॉर्म करना है। इस तरीके से उन्होंने पीरियोडिक टेबल को अरेंज किया। नाउ लेट्स सी अबाउट द बोरॉन। बोरॉन और एल्यूमिनियम के एक बार देख लेते हैं हम लोग। बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना है? 5। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2 थी। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बोरॉन के? 3 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 है। इसकी वैलेंसी 3 है, इसकी वैलेंसी 2 है, तो यहाँ पे लिख दो, बोरॉन की वैलेंसी 3, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो क्या आएगा? B2O3। बोरॉन मान लो का एलिमेंट R है, तो क्या आएगा? R2O3 आएगा। कार्बन पे चले जाओ, एटॉमिक नंबर 6, 2 4, वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो कार्बन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 4। ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको सिंपलीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा? 2:1, तो क्या मिलेगा? CO2 मिलेगा, है वहां पे RO2। इस प्रकार से उसने क्या किया है कि ग्रुप में जो भी एलिमेंट उसकी प्रॉपर्टीज ने सेम बोल दिया। इस प्रकार से उसने एलिमेंट्स के केमिकल प्रॉपर्टी के बेस पे उसने क्या किया है, एलिमेंट्स को अलग अलग ग्रुप में उसने प्लेस किया हुआ है। एंड दैट्स व्हाई मेंडेलीव ने क्या बोला है, वी कैन यूज देयर केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी रादर देन देयर एटॉमिक मासेस। और उसने ऑक्साइड और हाइड्राइड को यूज किया। हाइड्राइड का एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। एक हाइड्राइड हमने यहाँ पे देखा था, हाइड्राइड मतलब क्या होता है, देखो CH RH4 एक हाइड्राइड देखा था। अभी हाइड्राइड किसका है? अगर मान लो मैं कार्बन ग्रुप में चीज देखे, हमने पीरियोडिक टेबल नंबर फिर से रिकॉल करेंगे, जब वापस आएंगे तो देखना, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है? 6। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2 4, कार्बन का वैलेंसी 4, हाइड्रोजन का वैलेंसी 1, क्या मिलेगा अपने को? CH4 मिलेगा, या फिर हमको क्या मिलेगा? RH4। R अगर कार्बन है तो क्या मिलेगा? RH4। अगर ये ऑक्सीजन होता तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन वैलेंसी 2 वैलेंसी 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो क्या आता है? OH2। बट लिखते कैसे इसको हम लोग? H2 लिखते। तो इस प्रकार से मेंडेलीव ने क्या किया है, हाइड्राइड और ऑक्साइड का यूज करके उसने एलिमेंट्स को क्लासिफाई करना चालू कर दिया। तो एक बार हम लोग फिर से वापस चलते उसी चीज पे, तो यहाँ पे फिर से देखो, तुम एक बार यहाँ पे देख सकते हो, तो एलिमेंट्स को उसने सेम प्रॉपर्टी एलिमेंट्स को उसने डाउन द ग्रुप रखा। ये जितने भी एलिमेंट्स है सबका जो ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या? R2O। इनका ऑक्साइड का फॉर्मूला RO, R2O3, RO2, R2O5, RO3, R2O7 और RO4। ये नोबल गैसेस के ग्रुप में आता है, लेकिन अभी यहाँ पे नोबल गैस सिस्टम पे डिस्कवर नहीं हुआ था, इसलिए हम लोग इसको 8 ग्रुप करके कंसिडर कर रहे हैं। समझ में आया तक? राइट। तो दिस इज द आउटलुक ऑफ द मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल। ठीक है, अब देखो ये ऊपर जो लिखा हुआ है इसका ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तुम दो को ऊपर लिखो नीचे लिखो, तुम्हारे बुक में मेंशन किया हुआ है, उसको हमको क्या करना है? फॉलो करना है। राइट। नाउ अभी हम लोग क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस में यहाँ पे शो हो रहा है तुम्हारे, देखो स्क्रीन पे। एक काम करो, वीडियो को पहले पॉज करो, पॉज करने के बाद इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, और उस क्वेश्चन को पढ़ के उसको वापस वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड करो, और वो पीरियोडिक टेबल पे जाओ, या फिर तुम्हारे स्टेट बोर्ड की जो टेक्स्ट बुक है
उसके पेज नंबर पे जाओ, मेंडल पेज नंबर एग्जैक्टली याद नहीं है बट वहां पे मेंडल प्रिंसिपल का वो तुमको दिया हुआ है, वहां पे जाओ और ये जो क्वेश्चंस है इसके आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करो, है ना, इसके आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करो और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। दो क्वेश्चन है, जस्ट टाइम लो, 5 मिनट 10 मिनट कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको भागे नहीं जाना, घर पे रहना, स्टे सेफ एट होम ऐसा बोलते सब, राइट। तो यहाँ पे क्वेश्चन तुम्हारे सामने देखो दिया हुआ, ऑब्जर्व द मेंडल पीरियड टेबल एंड ट्राई टू आंसर द अबो क्वेश्चन। मेंडल पीरियड टेबल पे वापस आते हैं हम लोग, उसको देखते हैं, ये जो टेबल है तुम्हारे स्क्रीन पे देखो, इसको देखो और उस क्वेश्चन के आंसर करने की कोशिश करो, ठीक है। टेक योर ओन टाइम, कोई भी गड़बड़ी नहीं है, तुम लोग आराम से देखो और उसको कोशिश करो। नाउ आई होप यू कैन गेट द आंसर। सो हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या था, इस पीरियोडिक टेबल में कुछ ब्लैंक प्लेसेस है जहां पे एलिमेंट नहीं लिखा हुआ है बट उसका एटॉमिक मास नंबर लिखा हुआ है। उस ब्लैंक प्लेस को तुमको आइडेंटिफाई करना है, वो मास नंबर को आइडेंटिफाई करना है एंड वो मास नंबर कौन से पीरियड्स को और कौन से ग्रुप्स को बिलोंग्स करते बताना है। हमने पहले बताया था वर्टिकल कॉलम इज कॉल्ड एज ग्रुप, हॉरिजॉन्टल रो इज कॉल्ड एज पीरियड। ये बात क्लियर हुआ, वर्टिकल कॉलम इज कॉल्ड एज ग्रुप, हॉरिजॉन्टल रो इज कॉल्ड एज पीरियड। तो तुमको वहां पे देखना है, तो यहाँ पे पहले आइडेंटिफाई करो कौन कौन से वैकेंट प्लेसेस है जहां पे एलिमेंट्स नहीं है लेकिन उसका मास नंबर लिखा हुआ है, है ना। वैकेंट प्लेसेस बहुत है, यहाँ पे देखो ये बहुत सारे वैकेंट प्लेसेस दिख रहा है लेकिन हमको ऐसे वैकेंट प्लेसेस ढूंढना है जहां पे मास लिखा हुआ बट एलिमेंट्स नहीं है। तो देयर आर 3 वैकेंट प्लेसेस, जस्ट सी एटॉमिक नंबर 44, एटॉमिक नंबर 68 एंड एटॉमिक नंबर 72। तो देयर आर 3 प्लेसेस, 44, 68 एंड 72, ये 3 प्लेसेस है। अब इसका अगर हम लोग ग्रुप और पीरियड देखते हैं तो यहाँ पे ये क्या है, तुम्हारा पीरियड है, हॉरिजॉन्टल रो इज कॉल्ड एज पीरियड, वर्टिकल कॉलम इज कॉल्ड एज ग्रुप। तो ये जो 44 है कौन से ग्रुप कौन से पीरियड्स में आ रहा है, देखो यहाँ पे इट्स बिलोंग्स टू फोर्थ पीरियड एंड विच ग्रुप, थर्ड ग्रुप। मींस पहला जो 44 है वो कौन से पीरियड्स को बिलोंग कर रहा है, इट बिलोंग्स टू फोर्थ पीरियड एंड कौन से ग्रुप को बिलोंग कर रहा है, ये थर्ड ग्रुप को बिलोंग्स कर रहा है। सिमिलरली जिसका एटॉमिक मास 68 है किसको बिलोंग्स कर रहा है, ये इट बिलोंग्स टू फिफ्थ पीरियड एंड थर्ड ग्रुप। एंड ये जो 72 है किसको बिलोंग्स कर रहा है, इट बिलोंग्स टू, ये देखो कौन सा पीरियड है, ये ध्यान से देखो, फिफ्थ पीरियड एंड फोर्थ ग्रुप, राइट। इसी चीज को हम लोग यहाँ पे एक बार फिर से देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो मैंने ऑलरेडी लिख के रखा हो, 3 एलिमेंट्स हैं, 44, 68 एंड 72। ये कहाँ पे बिलोंग्स कर रहा है, 44 वाला थर्ड ग्रुप एंड फोर्थ पीरियड, 68 जो नंबर दिया हुआ है थर्ड ग्रुप एंड फिफ्थ पीरियड, और जहां पे 72 दिया है कहां पे, फोर्थ ग्रुप एंड फिफ्थ पीरियड को बिलोंग्स कर रहा है। तो दिस इज द आंसर ऑफ योर फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ मूव ऑन द सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन देखो, ड्यू टू अनसर्टेनिटी इन द नेम ऑफ सम ऑफ द एलिमेंट्स, अ क्वेश्चन मार्क इज इंडिकेटेड बिफोर द सिंबल इन द मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल, व्हाट आर सच सिंबल्स। यहां पे क्या बोला गया है, कुछ अनसर्टेनिटी मतलब अभी जिसका नाम फिक्स नहीं है, तो ऐसे कुछ एलिमेंट्स है जिसके सिंबल तो दिया बट उसके सिंबल के सामने क्वेश्चन मार्क है, वैसे एलिमेंट्स को हमको क्या करना है, यहाँ पे प्रेडिक्ट करना है पीरियोडिक टेबल को देख के। मतलब ये सिंपल एक क्वेश्चन देने का मतलब क्या है, तुम लोग पीरियोडिक टेबल को एक बार अच्छे से ऑब्जर्व करो कि वो कैसे उसको डिजाइन किया गया। सो हम लोग वापस आते हैं, अब यहाँ पे देखो कौन कौन से ऐसे प्लेसेस है जहां पे एलिमेंट्स दिया हुआ है बट उनके नाम के सामने क्वेश्चन मार्क है, राइट। तो यहाँ पे ये देखो, डी आई CE, ER, LA, ये जो 4 एलिमेंट तुमको दिख रहे हैं इनके नाम के सामने क्या है, क्वेश्चन मार्क है। मतलब देयर नेम आर स्टिल अनसर्टन, अभी भी उसका नाम कंफर्म नहीं है कि क्या है एक्चुअली, वो है कि कोई दूसरा है। तो ऐसे एलिमेंट्स तुमको आइडेंटिफाई करने हैं। ना इसका हम लोग आंसर देखते हैं, तो देखो यहाँ पे 4 एलिमेंट है, ER एटॉमिक मास 178, LA एटॉमिक मास 180, CE एटॉमिक मास 140, DI एटॉमिक मास 138। ER का मतलब क्या होता है, इर्बियम, LA का मतलब क्या होता है, लैंथेनियम, C का मतलब क्या होता है, सीरियम, और DI का मतलब क्या होता है, डिडनमम, डिडिमम, राइट। नाम थोड़े से तुमको टाइम के साथ प्रोनाउंस होते जाएंगे, ये सब लेस कॉमन जो तुम्हारे नाम दिख रहे हैं, जो हाइड्रोजन कार्बन हमको
बार बार फैमिली सर्वर मुंह पे याद हो गया। इससे एक ही चीज प्रूव होता है, अगर किसी चीज को हम लोग बार बार पढ़ेंगे ना तो हमको उतना उससे ज्यादा फैमिलियर होते जाएंगे। इसको 3-4 बार प्रोनाउंसिएट करो तुमको आ जाएगा, घबराना बिल्कुल भी नहीं है, राइट। तो ये हो गया तुम्हारा इंट्रोडक्शन पार्ट एंड मेंडेलियव पीरियोडिक टेबल की उसने किस बेसिस पे एलिमेंट्स को अरेंज किया, उसने पीरियोडिक टेबल को कैसे डिजाइन किया, राइट। तो आज की वीडियो में हम लोग इतना ही देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे व्हाट आर द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ मेंडेलियव पीरियोडिक टेबल। मेंडेलियव पीरियोडिक टेबल के मेरिट्स क्या है और मेंडेलियव पीरियोडिक टेबल के डीमेरिट्स क्या है। आई होप यू कैन एंजॉय द वीडियो। आज का वीडियो अगर तुमको पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल दैट इज SR एकेडमी ऑफ केमिस्ट्री, और ऐसे मुझे प्यार देते रहिए और मुझसे अच्छी अच्छी बातें सीखते रहिए, मैं आपको हमेशा सिखाते रहूंगा। थैंक यू। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो को लेके आएंगे जल्दी ही, हो सकता है कि कल या परसों में नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर दूं तुम लोगों के लिए, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ मेंडेलियव पीरियोडिक टेबल। वीडियो को ज्यादा लेंदी नहीं कर रहा, उसका रीजन है फिर तुम बोर हो जाते थोड़ी देर देखने के बाद, इसलिए हम लोग ब्रेक ब्रेक में क्या करेंगे इस चीज को पढ़ने की कोशिश करेंगे। ओके, सो सी यू वेरी सून, स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।